हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं आज हम बात करने वाले इस वीडियो में वीआई शेयर के बारे में, वोडाफोन आइडिया कंपनी के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब क्या इसमें इस प्राइस पे खरीदारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा अभी फिलहाल यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का समय आ रहा है। दिन पे दिन अगर आपको और भी समय देते हो आप इस शेयर को, तो आपको आने वाले 5 से 10 डे के अंदर दोस्तों इसकी प्राइस कम से कम 18 से 19 रुपये के बीच की देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फिलहाल मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है। आपको काफ़ी बड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है शेयर मार्केट में। हो सकता है कि अगर जो कल ट्रेडिंग किया है, शेयर ट्रेड किया है, अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस शेयर आने वाले एक मंथ के लिए करता है, तो आपको इजीली 25 रुपीज़ के प्राइस में देखने को मिल जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या इस प्राइस पे खरीदारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करो शॉर्ट टाइम के लिए, तो आप इसमें शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट मत करना। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहे हो, बिल्कुल आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको टारगेट कम से कम 25 से 45 के बीच की प्राइस आपको लेकर चलना है, कम से कम 50 रुपये के आसपास। अगर इसकी एक न्यूज़ आएगी मार्केट में आने वाले 2 से 7 दिन के अंदर, अगर 5G की टेस्टिंग 100% होती है सक्सेसफुल, तो आपको इसमें काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिलने वाला है। अगर 5G की टेस्टिंग कुछ कारणवश, कुछ प्रॉब्लम दोस्तों, अगर सही नहीं होती है, डन नहीं होती सक्सेसफुल, तो आपको शेयर में गिरावट आपको 100% देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक बार इसमें रिसर्च कर ले, स्टडी कर ले, अपने एडवाइजर से एडवाइस लेके बाय सीलिया होल्ड करें। धन्यवाद।